नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़े थे, बल्कि उससे विभिन्न है। विभिन्न समझते हो? ये क्या शुद्ध हिंदी है, जिस तरह से हृदय परिवर्तन ना, विभिन्न है। आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो लेक्चर आने में काफी देरी हो गई। देरी इसीलिए हो गई क्योंकि हमारे एक प्रिय छात्र हैं, वो समझ गए जिनके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। उनका रिक्वेस्ट था, सर एक दो दिन गैप कर लीजिए, तब तक हम पीछे का वीडियो लेक्चर देख लें। हमें तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, आज का टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही लिखा गया वैसे ही बच्चा का माइंड में ये वाला इक्वेशन आ गया। कोई भी इक्वेशन फॉर्म होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या हो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको जैसे ही जीरो से इक्वेट करेंगे ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इतना बोल देते हैं तो आपका अधूरा है, और आप सब ही जानते हैं अधूरा चीज का कोई मायने नहीं रहता ना। अधूरा प्यार, अधूरा पढ़ाई पढ़ाई, अधूरा कोई मायने नहीं रखता वे है। इसीलिए इसको पूरा कर लीजिए। वो चीज हम पूरा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हैं, पूरा करने के लिए बोले वेयर ए बी एंड सी आर क्या है, रियल रियल कोफिशियंट, रियल कोफिशियंट कोफिशियंट। इस तरह से समझ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आएंगे। क्वाड्रेटिक जैसे हो गया, क्यूबिक भी होता है। क्यूबिक जब एनसीईआरटी लास्ट हो जाएगा, जब एडवांस लेवल पढ़ाएंगे उसमें हम क्यूबिक को भी सॉल्व करना बताएंगे। अभी हम एनसीईआरटी, ये जो बुक है आपका एनसीईआरटी, सिर्फ हम इसी को अभी फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है, वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा ना। तो पहले टॉपिक को विस्तार रूप से समझ लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। आप लोग सोच रहे हैं इस टाइप का इक्वेशन तो पढ़े ही थे, तो इसमें नया क्या बात है। नया बात है, नया बात है। उसमें एक एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड था, न जाने क्या क्या मेथड था। लेकिन एक में एक मेथड था जो क्या था, स्लाइडिंग, समझते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग इस तरह से होता है, देखिए तो इस तरह से होता है ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे करके घुमाने वाला होता है, देखिए ऐसे करके यहाँ घुमाने वाला होता है और ये आगे पीछे घूमते रहता है, एक पार्ट फिक्स रहता है आगे पीछे। ये क्या स्लाइड रिंच है, इसको कोई भी रिंच में आगे पीछे करके कस दीजिए खुल जाएगा, जिसे मास्टर कहते हैं ना। या ट्रायंगल में देखेंगे हीरोज फॉर्मूला करके, तो कौन था, एक श्रीधराचार्य नियम करके होगा। आपको आंखों में चमक आ जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगा। वो कैसे, एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही ना था। ये श्रीधराचार्य नियम करके था। नाम को छोड़ दीजिए ना, बच्चा को लगेगा ये कौन हृदय परिवर्तन वाला फॉर्मूला बताया जा रहा है। इससे हम लोग वाकिफ है ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, जैसे क्यूब, जैसे कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड, फैक्टराइजेशंस, एक ये भी होता है श्रीधराचार्य नियम करके। इसमें हम जरा ध्यान देंगे, ध्यान देने वाला क्या बात है, ध्यान देने वाला क्या बात है। ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, इसको हम थोड़ा थोड़ी देर के लिए बाहर करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बोलेंगे यहाँ तक तो क्लास 9th 10th में भी पढ़े थे, इसमें नया क्या बात है। नया बात है, क्लास 10th में आप जो भी डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे, जो भी पढ़े थे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता था, पॉजिटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता था। ये क्लास 9th 10th तक ये कहानी था। क्लास 11th में कहानी इसका निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव। कब कैसे होगा, जैसे ही निगेटिव आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट से आएगा,
परेशान मत होइए, पहले लिख तो लीजिए, चीजों को अच्छे से लिख लीजिए। इसमें रियल रूट्स, रियल ये इस तरह से पढ़े ना। जैसे करके हम एक इक्वेशन लिखते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, ना जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, इसको सॉल्व करना है। जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी क्या है, यही ना है ना। थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, ए इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू कितना माइनस 5, सी इक्वल टू कितना 6। एक्स इक्वल टू कैसे लिखते थे, माइनस बी यानी 5+-, रूट अंडर कितना बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 25-4ac यानी कितना 64, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, तो यानी 2 × 1 तो 2। इसको थोड़ी देर के लिए और सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 1। अब यहां से एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव ले लीजिए, यानी 5+1/2, ये कितना होगा 5-1/2, 5+1 कितना हो जाएगा, ये 5+1=6, 6 कितना हो जाएगा 3, ये कितना 2। इसका मतलब रूट्स क्या हुआ, एक 3 हो गया, दूसरा 2 हो गया, इस तरह से रूट्स आ गया ना। अब सोच रहे होगे, ओ यहां तक तो सही था, अब क्या किया जाए, बताइए बताइए। नहीं बताना चाह रहे, अब जो इक्वेशन देंगे ना आप उसको सॉल्व करके जरा दिखाइएगा। बुक का ही इक्वेशन लेते हैं, ये वाला इक्वेशन, बच्चे को बच्चा की तरह समझाना पड़ता है। वो जो बड़ा बड़े बड़े राइटर लिख देते हैं, एमफिल पीएचडी, वो लोग जो बुक लिखते हैं ना, बुक तो लिखते ही हैं, ये सोच के भी बुक लिखना चाहिए। जो हम एक 9th-10th वाले के लिए बुक लिख रहे हैं, 11th वाले के लिए बुक लिख रहे हैं, लूसिड लैंग्वेज में, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि ये ट्रेंड्स जारी है, निकट ही भविष्य में आपको इस तरह का बुक दिखेगा, ऐसा बुक कम देखने को मिलता है, बहुत कम बहुत कम। उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में आपको बुक देखने को मिले जो इस तरीका से लिखा गया हो, जो हम एक 11th-12th वाले बच्चे के माइंडसेट से अगर वो पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। ये देखिए तो जैसे एग्जांपल नंबर 2 है 5.2 का, ये 2xx² + x + 1, इसका पहले आप d निकाल के बताइए, तो d कैसे निकालिएगा, यहाँ a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू कितना 1, c इक्वल टू कितना 1, जरा d निकाल के बताइए ना, d निकाल के बताइए, b स्क्वायर कितना होगा 1-4 × 2 × 1 कितना हो जाएगा 1-8=-7। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम आपको नहीं बताए हैं क्या, हम आपको बताए होंगे ना, कोई गधा भी बता देगा इसका क्या होगा, लेकिन आप मत बताइएगा, लेकिन आप मत बताइएगा, कोई गधा बता देगा लेकिन आपको नहीं बताना, कैमरा क्यों नहीं काम कर रहा। हाँ, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू -b + √√b² - 4ac / 2a। जरा जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, b कितना है, b इक्वल टू 1 है, तो -1 + √b² - 4ac, यही तो है d इक्वल टू b² - 4ac, यही ना है, इसका वैल्यू कितना, हा, ये तो हंसी आ गई, हंसी तो सवाल बनी, बिल्कुल बनी, ट्वाइस ऑफ ए, ये कितना है, ए आपका 2 है, तो यहाँ कितना लिखिएगा 4 लिखिएगा ना, ए आपका 2 है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये क्या, हा यही तो जानते थे ना, इस तरह का, इसको √7 उल्टा लिख दीजिए 5/4। ये समझने में किन किन को दिक्कत है, जैसे √-1 को क्या लिखेंगे, उल्टा
रूट माइनस टू को ऐसे लिखेंगे, रूट टू इंटू बेटा बाहर है, जैसे रूट माइनस इलेवन इसको क्या लिखेंगे, रूट इलेवन आयोटा, रूट माइनस नाइन इसको क्या लिखेंगे, बताइए बताइए। मुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, इस तरह से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको एकदम फील आएगा, रियलिटी वाला फील आएगा ना। कुछ कॉन्सेप्ट है नोट करके वो हम बता देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है ना, ताकि आपका नोट्स भी बन जाए ना। नोट क्या है, एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उसको देखिए। हालांकि नाम का ही है ये सब, इज विदाउट एनी प्रूफ। औकात, किताब के औकात के बाहर कभी कभी लिखा रहता है, दिस दिस प्रूफ इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ, द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। स्कोप का मतलब औकात, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा क्या होता है जरा बताइए तो। ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास कम से कम एक रूट होगा ही, कम से कम की बात बोला जा रहा है, कम से कम, कम से कम, इन अनदर वर्ड बोल सकते हैं, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ x विथ विच सेटिस्फाइड, कि रूट्स के लिए भी बच्चा को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, रूट्स का मीनिंग होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोल दीजिए, वैल्यू ऑफ एक्स बोल दीजिए ना, रूट्स सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ एक्स, हालांकि वैल्यू ऑफ वाई जेड भी होता है जब वाई जेड में इक्वेशन आएगा, लेकिन अभी के लिए आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, अभी अभी जस्ट आप 10th से आए ही है ना, उसी हिसाब से पढ़ाया जाए, रूट्स सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ एक्स इस तरह से होता है ना, ये सब का मीनिंग एक ही हुआ, ये सब का मीनिंग एक ही हुआ, इस ये सब का मीनिंग क्या हो, वैल्यू विच सेटिस्फाई इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, जैसे हम आपसे पूछ ले, जैसे हम आपसे पूछ ले एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका रूट्स क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना, टू क्या हो गया, टू इज द रूट्स, हाँ हाँ ये टू रूट्स हो गया, बिल्कुल टू रूट्स हो गया ना। देखिए तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस फोर, ये क्या होगा जरा बताइए, जरा बताइए, जरा बताइए। एक यहाँ मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए अभी यही लिखना शुरू कीजिए, यहाँ मॉडुलस लगता है, जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे उस समय और विस्तार में ये प्लस माइनस कैसे आता है, बाकी हम हर एक क्लास में बताने की कोशिश किए हैं ना। रूट फोर आयोटा, रूट फोर आयोटा का क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस टू आयोटा, ये नोट्स करके दो पॉइंट लिखे क्या आप, नोट्स करके दो पॉइंट लिखे, फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट्स, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन कम से कम एक रूट्स होगा ही होगा निश्चित रूप, अगर nth डिग्री है तो उसका nth रूट्स होगा ही। जरा ध्यान दीजिएगा, रूट्स में ये रियल और इमेजिनरी दोनों मिला के बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे रूट्स लिखा हुआ है हुआ है, अगर हम ये पढ़ते क्लास 9th में, क्लास 9th या 10th में, और अब पढ़ेंगे क्लास 11th 12th
ट्वेल्थ ऊपर, क्लास इलेवन ट्वेल्थ के ऊपर, तो इसमें क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, रूट्स का मतलब होता है रियल रूट्स, रियल रूट्स, और इलेवन ट्वेल्थ में इसका क्या क्या हो जाता है, रियल रूट्स प्लस क्या कॉम्प्लेक्स रूट, दोनों मिला के जब बोले ना तब रूट्स होता है कॉम्प्लेक्स रूट। ध्यान समझ में आए कि ना आए, जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, पता नहीं आपको याद हो या ना हो, कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स लिख दिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन रूट्स, एक रूट दिया हुआ है थ्री प्लस रूट फाइव, देन अदर रूट्स क्या होगा, देन अदर रूट्स, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, जैसे एनटीएससी हुआ ना, कोई भी स्टेट लेवल का कोचिंग हुआ या कोई भी स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ, वो समय इस टाइप का कंपटीशन में पूछता है, इक्वेशन है वन रूट्स दिया हुआ है, देन अदर रूट्स क्या होगा, देन अदर रूट्स क्या होगा, अदर रूट्स इसका ये हुआ थ्री माइनस रूट फाइव, हमेशा कंजुगेट पेयर में उपलब्ध होता है, कोई कोई देख के बोलेगा नहीं इसमें एक और शब्द छुटा हुआ है, इसका जो कोफिशियंट होगा है रियल ही, ये कौन बच्चा वाली बात हो गया, वो तो होगा तभी तो इतना पूछा जा रहा है ना, उसके लिए भी बच्चा झंझट करने लगा, नहीं इसमें आप ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन रूट्स इतना, देन अदर रूट्स इफ कोफिशियंट आर रियल, इफ कोफिशियंट आर रियल, ये क्या बात, ये लिखे या ना लिखे बात बराबर, जो बात पकड़ना है उस पर तो ध्यान दीजिए, ये क्या इरेशनल रूट्स हो गया ना, इरेशनल रूट्स यहाँ पे पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट करके, इरेशनल ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा जोड़ा में होगा, इन पेयर कौन सा पेयर हो, कौन सा पेयर बतावा, कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर, ये एग्जांपल देखते हैं, अगर एक रूट थ्री प्लस रूट टू है तो दूसरा रूट्स कितना होगा, थ्री माइनस रूट टू होगा, एक रूट्स रूट फाइव है तो दूसरा रूट्स कितना होगा, रूट फाइव होगा, अगर एक रूट्स थ्री होगा तो दूसरा रूट्स के बारे में नॉट से, दूसरा रूट्स हम बता ही नहीं सकते, दूसरा रूट्स नहीं बता सकते हैं, इरेशनल रूट्स, ये क्या इरेशनल है ना, अगर ये कोई बोल देता एक रूट्स है वन बट्टा फाइव तो दूसरा रूट्स नॉट से, अगर एक रूट्स आपको ये बता दिया तब थ्री प्लस वन बट्टा रूट टू ये बता दिया तब इसमें तो हम बता सकते हैं, इसमें तो हम बता सकते हैं थ्री माइनस वन बाई रूट टू ना हो, ये मतलब कंजुगेट समझ में आया, कंजुगेट पेयर में कैसे होता है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स रूट यानी इमेजिनरी रूट्स, ये भी नोट्स करके लिख लीजिए, कोई कोई बच्चा बोलेगा नहीं इसके लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, पूरा बन जाएगा पूरी ना, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन, ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा जोड़ा में ही होगा, हमें अगर एक रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट्स कितना होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, हाँ हो एक रूट्स ये तो दूसरा रूट्स कंफर्म है वही होगा, टू प्लस रूट थ्री आयोटा इज वन रूट्स, देन अदर रूट्स क्या क्या हो सकता है, अदर रूट्स क्या क्या हो सकता है, ये देखिए तो
प्लस वन बट्टा रूट थ्री आयोटा, टू माइनस रूट थ्री आयोटा, वन प्लस रूट फाइव आयोटा, रूट थ्री प्लस टू आयोटा, कौन सा होगा इसमें से बताइए बताइए, ये वाला ना, क्योंकि हमेशा कंजुगेट पेयर में ही उपलब्ध है, उपलब्ध है हमेशा, इमेजिनरी रूट्स, हमेशा इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर में ही उपलब्ध है ना, समझ में आया ना? बिल्कुल समझ। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा दो हो सकता है, चार हो सकता है, कभी तीन नहीं हो सकता, समझ गए? अगर मान लीजिए डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये कुछ ज्यादा बता रहे हैं, डाइजेस्ट कर लीजिएगा, है ना? हेलो, हाँ तो तुरंत तुरंत कॉल करते हैं, 10 मिनट में भी अभी क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट में कॉल करते हैं। वही प्यारे स्टूडेंट का कॉल था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मान लीजिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका कितना है, 8 है 9 है 8 है 8 है, तो इसमें पॉसिबल पॉसिबल कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो सकता है, पॉसिबल, देन देन पॉसिबल कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 8, ऑप्शन डी में 1, ऑप्शन ई में, ये तो ई हो गया आपने, ऑप्शन एफ में 2, ऑप्शन जी में 3, 4, 5, हमेशा पेयर में होगा, कॉम्प्लेक्स रूट है तो हमेशा पेयर में होगा, यानी इवन वाला होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑड वाला नहीं होगा। देन पॉसिबल कॉम्प्लेक्स रूट्स कितना हो सकता है, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की जगह पे इरेशनल रूट्स बोल देते हो, ये भी उसका भी आंसर यही होगा, इरेशनल रूट्स का भी यही, बात में, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा इवन नंबर में पाया जाए, या तो 2 होगा 4 होगा 6 होगा, समझे ना, समझे हो? कैसे नहीं समझिएगा, हमारे ही आपकी केमिस्ट्री मिलेगी, क्यों नहीं समझिएगा? और कुछ बताएं, हालांकि इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, अगर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा ना, ये देखिए, तो ये एक एग्जाम्पल नंबर 11 कैसे है, √5 x² + x + √ जब मैथ से डरने वाला जरा ठहरो, मैथ से मुहब्बत ना करा दिया तो फिर करना है, एग्जाम में इसको ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वी हैव √5 x² + x + √5 = 0, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते, कौन सा, वही हमारा आपका पुराना साथी, कंपेयर कर लिए, क्या होगा, कंपेयर कीजिए, ये तो ऊपर चला गया, उतना भी ऊपर नहीं गया, आप खोज सकते हैं, a इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया, c इक्वल टू, a इक्वल टू कितना है √5, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू √5, यही ना है? अभी ऐसे बनाइएगा, वी नो जानते हैं √-b + √√√2 माइनस करके कितना होगा −1 + −b² 1 - 4, a के जगह पे कितना होगा √5, लेकिन b के जगह पे ये भी होगा √5 ही, 2a, यानी ट्वाइस ऑफ √5। देखिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, 2
रूट फाइव को ऐसे लिखिए, कोई भी बच्चा जल्दीबाजी में ऐसे ना लिखे, मतलब टू इंटू रूट फाइव। रूट फाइव इंटू रूट फाइव कितना, फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, माइनस वन प्लस माइनस कितना हो जाएगा, जरा सा ध्यान दे दे, एक रूट कितना होगा, माइनस वन प्लस रूट नाइनटीन आयोटा बाय टू रूट फाइव, दूसरा रूट कितना हो गया, माइनस वन माइनस रूट नाइनटीन आयोटा बाय टू रूट, ये दोनों थे। हमेशा जो भी आंसर आएगा हमेशा कंजुगेट ही होगा एक दूसरे का, हमेशा कंजुगेट ही होगा, इस तरह का बात समझ में। इसी तरह से सब एग्जांपल सब क्वेश्चंस आपका बन जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन, जैसे एक्सरसाइज 5.3 का वो पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, एक्सरसाइज 5.3 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, कितना है x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, अभी आप प्लस माइनस लगा लीजिए, इसके पीछे का भी स्टोरी बताया जाएगा, छुपाया नहीं जाएगा। इसका एक रूट्स कितना हो गया, एक रूट्स कितना हो गया, रूट थ्री आयोटा, दूसरा रूट्स माइनस रूट थ्री आयोटा, दोनों रूट्स है, रूट्स मतलब सॉल्व करना, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वैल्यू निकालेंगे, वही उसका क्या हो गया रूट्स। अभी तक जो भी नोट्स पढ़े हैं, नोट्स जो भी लिखा है, तो एक और नोट्स करके जरा लिख लीजिए ना, नोट्स क्या, इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड, समझते हैं, ऑड डिग्री हैव एट लीस्ट वन रियल रूट्स, हमेशा एक रियल रूट्स होगा ही होगा, जब हम एडवांस कोर्स शुरू करेंगे उसमें ये सब हेल्प करेगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज एट लीस्ट वन रियल रूट्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बताइए, तो कोई भी इक्वेशंस ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री डिग्री कितना हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन सिक्स हो सकता है और सेवन हो सकता है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, इतना ही में आपको समझना होगा तो समझ में आ ही जाएगा। रूट्स, रूट्स के बारे में क्या क्या बोल सकते, रूट्स तीन इक्वेशन का डिग्री है तो रूट्स कितना, थ्री, फोर का है तो कितना, फोर का है तो कितना, फाइव, सिक्स का है कितना, सिक्स। अब बोल रहा है जो भी ऑड डिग्री का है, जैसे थ्री हो गया, फाइव हो गया, ऑड डिग्री का, उसमें रियल रूट्स कितना होगा, रियल रूट्स कम से कम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम कितना होगा, रियल रूट्स, जैसे हिंदी में हम लिखे ना उसी तरह आपके रियल रूट्स कम से कम कितना होगा, इसमें एक होगा रियल, इसमें भी कम से कम कितना होगा, एक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला तो हमेशा पेयर में होगा, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं करें, कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम, जैसे आपके पास 100 रुपया है तो बोलेगा 10 रुपया दे सकते हो, क्या बोलेगा, हाँ वही कम से कम, एटलीस्ट। क्लास में वो बच्चा एंड्रेस की जिसके पास दो गो क्या बताइए, दो दो पेन है, आप और कुछ कह रहे हैं, ये छोड़िए ना, एक का तो पता नहीं, दो कहाँ से बनेगा,
कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में, जैसे ये 4 रो है ना, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट कितना होगा थोड़ा नीचे करके बताते हैं, आप लोग टेबल अच्छा से बना लीजिएगा। कमेंट करना जानते हैं, कमेंट करना हम बोल रहे हैं, कमेंट कीजिए, तो कमेंट इफ फोर, अगर फोर है तब इसका क्या 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 कमेंट कर सकते, फोर है तब इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स की संख्या, इमेजिनरी रूट्स की संख्या क्या क्या हो सकता है, इमेजिनरी रूट्स की संख्या या तो इसमें कितना हो सकता है, या तो हमेशा या तो 4 का 4 होगा, नहीं तो 2 का 2 होगा, नहीं तो 0 का 0 होगा। ये काउंटिंग बता रहा है, काउंटिंग जैसे 4 होगा या तो 2 होगा, नहीं तो 1 भी नहीं, नहीं तो 1 भी नहीं। और रियल रूट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करता, रियल रूट्स के बारे में या तो कितना 4 होगा तो रियल रूट्स 0 हो जाएगा, जब 2 होगा तो 2 होगा, 4 हो सकता, रियल रूट्स या तो पूरा का पूरा हो जाए। ये सब एडवांस है, ये सब आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इसलिए कुछ भूलते भूलते भी आपके पास कुछ रह जाए, अगर आपको कम बताया ही जाएगा तो मालूम चला पूरा भूल ही गए, तो ये याद रखिएगा। अगर ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल हो तो कम से कम रियल रूट्स पक्का होगा, एकदम पक्का होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, होगा। ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक रियल रूट्स तो पक्का होगा, एक रियल रूट। उम्मीद करते हैं आप चैप्टर समझ पा रहे होंगे, हालांकि चैप्टर की कहानी वही स्टार्टिंग में ही लास्ट हो गई थी, स्टार्टिंग में जो किए थे ना x=b²-4 ऐसे वहां पे ही लास्ट हो गया था ना। आपका जैसे एक्सरसाइज 5.3 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलते चलते एक 10 नंबर भी क्वेश्चन बता दे, क्या x²+(x/√2) +1=0, ये नहीं, ये क्या थोड़ा हिंट कर देते हैं, इसमें a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, वैल्यू 1, हमेशा साइन के साथ लिखना, अगर यहाँ पे माइनस रहता ना, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ माइनस के साथ लिखते, ये सब बात तो समझ ही पा रहे हैं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्लास कैसा लगा, हमें भी तो जानकारी मिलना चाहिए। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक ढूंढ लीजिए ना, आप छोटा बच्चा थोड़ी हो, कहाँ कहाँ सीक्रेट फाइल ढूंढ लेते हैं आप लोग ना, किसका इंस्टा आईडी ढूंढ लेते हैं, ये तो एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप तो ढूंढ ही लीजिएगा। चलते हैं इसी सब चीज़ के साथ, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए जय हिंद।